मिर्जापुर में गंगा नदी में आई बाढ़ के चलते 285 गांव प्रभावित हैं। शनिवार को नगर विधायक तहसीलदार के साथ क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां बबुरा गांव से लौटते समय उनके मोटर बोट का तेल खत्म हो गया। गंगा की धारा के बीच अधिकारी और विधायक के साथ चालक भी तेल खत्म होने पर असहाय नजर आए। तहसीलदार ने जिला पंचायत अधिकारी को फोन करके दूसरा मोटर बोट मंगाया गया, तब कहीं जाकर गंगा की धारा में फंसे विधायक और तहसीलदार को राहत मिली। विभागीय लापरवाही पर विधायक ने जमकर लताड़ लगाई। भाई हम माननीय विधायक जी को लेकर के बाढ़ क्षेत्र में दौरे के लिए आए। जिला पंचायत द्वारा स्टीमर उपलब्ध कराई गई थी तेल सहित, लेकिन वहाँ से बबूरा से लौटते समय नाविक ने भी कुछ नहीं बताया और किसी ने कुछ नहीं बताया। बीच में ले आकर के इसने रोक दिया कि तेल समाप्त हो गया, इस कारण से हम और माननीय विधायक जी यहाँ बीच गंगा में भी फंसे हुए हैं। अभी बात हुई है दूसरी नाव के लिए, वहाँ से किए हैं। ये तो बहुत बड़ी घोर लापरवाही है कि बताया नहीं गया। यदि मुझसे बताया गया होता तो मैं व्यवस्था कर लेता, करके तब निकलता माननीय विधायक जी को लेकर के। लेकिन मुझे बताया गया कि आप जाइए साथ में, तेल सहित भेजी जा रही है गाड़ी, लेकिन बीच में आकर के हम लोग फंसे हुए हैं। व्यवस्था की जा रही है अभी तुरंत। हम और तहसीलदार पांडे जी दोनों लोग साथ में निकले और जिला पंचायत अधिकारी से बात भी हुआ था। उसके बाद भी ऐसा स्टीमर में पेट्रोल ही नहीं, जो कि आज बीच में ही आकर रुक गए कि वो लेक गांव हम बबुरा ही देख पाए। और पूरा प्लान था हरसेनपुर, मल्लेपुर, बल्ली, परवा, मतलब कहीं भी हम नहीं जा पा रहे। जिला पंचायत अधिकारी का इसमें घोर लापरवाही है। जिला अधिकारी ने तो साफ तहसील में उनको आना, कह दिए तहसील थे में कि जाना, पूरा व्यवस्था करके भेजिए, और उसके बाद भी तहसील एक में गांव में भी नहीं जाना जा पाए और गंगा में हमारा बीच में फंस गया। जब हमारे साथ ऐसा अगर हो रहा है तो और पब्लिक के साथ है, लोग क्या बर्ताव करते होंगे।